आज एनी बडी कैन ट्रेड हमने सेवनटी थ्री टाइम्स किया है लास्ट आठ साल में उसमें पैंतालीस से पचास हजार के बीच में लोगों ने अटेंड किया है और नाइन पॉइंट टू का रेटिंग दिया है उस प्रोग्राम को एज अ फीडबैक तो प्रोसेस जीवन होता है तब आपके इमोशंस कम हो जाते हैं और मार्केट में इमोशंस का ही खेल एवरी थिंग इज अ फ्रेमवर्क वाई नहीं मिल रहा है तो वाई बनाने की एक फ्रेमवर्क है तो वो ईजी और अच्च... किसी को भी लगता लग, लगता है कि मैं कर सकता हूँ वेरी इजी एंड और लोग करके दिखाते हैं That's what amazes us. तो वो आपने देखा होगा एक स्टैटिस्टिक बताता है कि कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन चल रहा था तब एक आम आदमी ने 300 से 400 घंटे नेटफ्लिक्स और ओ टी टी प्लेटफॉर्म से पर अब 300 से 400 घंटे में दो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो सकती है हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड आज हमारे बीच में बहुत ही इंस्पिरेशनल और पावरफुल डुओ मौजूद हैं एक ट्रेडिंग कोच हैं स्टॉक ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम इन्होंने कमाया है सी में अपियर हुए हैं किताबें भी इन्होंने लिखी हैं और आज लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं इनके साथ इनकी वाइफ भी हैं जो कि हाई परफॉर्मेंस कोच हैं और माइंडसेट ट्रेनिंग पे बहुत लोगों को इंस्पायर कर रही हैं सो प्लीज वेलकम विशाल एंड मेगना मलकान इन इंस्पिरेशनल जॉब थैंक यू सो मच सो विशाल जी मलकान so so so, uh, व्यू जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 15 साल करीब हो रहे हैं so, क्या ने आपको प्रॉम्प्ट किया इस फील्ड में आने के लिए सो so, कहानी तो बहुत लंबी है क्योंकि मैं जब स्टॉक मार्केट से वाकिफ़ हुआ था वो था मैं जब आठवीं कक्षा में था 1993 और तब आपने देखा होगा कि अर्शद मेहता स्कैम उसी टाइम पे हुआ था अब स्कैम सीरीज सबने देखा है तो मैं अपने पिताजी के साथ ऑफिस जाता था उनके ऑफिस जो कपड़े के बिजनेस में थे कालबा देवी यहाँ पर मुंबई में बट ज़्यादातर मैं देखता था ट्रेन में और सब जगह पे लोग स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम पर वो बहुत बड़ा बबाल हो रहा था और तब से स्टॉक मार्केट क्या है या पैसा क्या है वो तो नहीं था लेकिन वो नंबर गेम थी जो ऊपर नीचे होता था नंबर्स और मेरे पिताजी के पास भी कुछ स्टेय थे तो मैं वो भाव चेक करता था रोज़ तो उससे नंबर फैसिनेशन बहुत हो गया मुझे लगा कि ये काम मुझे करना चाहिए स्कूल में भी मुझे नंबर्स और मैथ्स से बहुत पसंद ये सब्जेक्ट पसंद था तो जैसे ही टेंथ स्टैंडर्ड खत्म हुआ मैंने स्टॉक मार्केट ज्वाइन करने की बात की तो ऑफ कोर्स उस टाइम में तो लोग रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस था बहुत कि ये नहीं करना चाहिए रिस्की है गैम्बल है स्पेकुलेशन है यहाँ पे लोगों का लॉस होता है बट फिर मैंने भी ठान ली थी तो मैंने कॉलेज भी ऐसी चुनी ग्रेजुएशन के लिए जो स्टॉक मार्केट के नज़दीक थी के कॉलेज तो ऐसा माना जाए कि मैंने ग्रेजुएशन स्टॉक मार्केट से किया और पार्ट टाइम बी भी कर लिया बट ये पाँच साल में मैंने बहुत कुछ सीखा और छोटा छोटा ट्रेड भी किया लॉस भी हुआ प्रॉफिट भी हुआ बट सबसे बड़ी बात जब मार्केट रैली हो रही थी 98, 99 में आईटी जो बूम हुआ था उसमें धीरे धीरे छोटे छोटे ट्रेड कर करके मेरे पास 20 लाख रुपए हो गए और तब मैं खाली 20 साल का था और मुझे लगा अभी तो मैं करोड़ों कमा लूँगा और बहुत कुछ कर लूँगा लेकिन मेरा वो वहम था मार्केट क्रैश हुआ और सारे के सारे गए बीस के बीस और ऊपर से गए तब समझ में आया कि इसको समझना पड़ेगा सीखना पड़ेगा तब से मेरी क्यूरियोसिटी थी कि मैं इसको कैसे स्टडी करूं तो फाइनेंस दो तरीके होते हैं एक टेक्निकल और एक फंडामेंटल तो फंडामेंटल के लिए मैंने एमबीए फाइनेंस किया और टेक्निकल्स की किताबें और कोर्सेज़ करने लगा और थोड़ा मेरा झुकाव ज़्यादा टेक्निकल पे था मुझे लगा ये आसान है क्योंकि फंडामेंटल के लिए थोड़ा आपको फाइनेंस बैकग्राउंड सब आम आदमी के बस की बात नहीं है तो टेक्निकल्स पे पाँच साढ़े चार सौ से पाँच सौ किताबें पढ़ी उस टाइम में 2001 से लेके 2007 में और हमारा जो मलकान जी का शुरुआत हुआ दो में हुआ क्यों क्योंकि दो का क्रैश है सबको पता है उसके एक दो महीने पहले डिसम्बर टू में मैंने जितनी भी पढ़ाई की थी उसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश किया कि ये मार्केट गिरेगा और एक साल तक गिरा रहेगा मतलब पड़ा रहेगा मुझे खुद को यकीन नहीं था कि ऐसा हो सकता है और मुझे ऐसा वो रिपोर्ट पब्लिश करने को भी डर लग रहा था बट वो मैंने कर दिया और वो वायरल हो गया और उसके बाद मार्केट क्रैश तब लगा कि कुछ तो मेहनत रंग लाई है और तभी हमने सोचा कि आ, हमारी शादी हुई थी 2007 में नए नए और उनको भी मैं सिखा रहा था वो पहले लॉ बैकग्राउंड से उनकी कहानी आप सुनोगे तो फिर लगा कि ये जो नॉलेज हमने मैंने 12 साल 13 साल में सीखा गलतियां करके लॉस करके ब्लंडर्स करके उसको मैं अगर किसी को पास ऑन करूँ तो वो शायद उसके पास उतना टाइम ना हो या उतना पेशेंस ना हो गलतियाँ करने का इसलिए हमने मलकान जीव की शुरुआत की थी, थी जो सैटरडे संडे को हम छोटे से ऑफिस में पाँच सात स्टूडेंट को सैटरडे संडे को टेक्निकल एनालिसिस सिखाते थे और वहाँ से आज हम यहाँ तक पहुँचे क्या बात है वेरी इंस्पिरेशनल सो आई थिंक आप कुछ एक बड़ा इवेंट भी प्लान कर रहे हैं अभी कुछ हाँ हमने ये पंद्रह साल सेलिब्रेट करने के लिए एक बड़ा इवेंट रखा है एज अ टोकन ऑफ अप्रिसन फॉर ऑल अवर फैंस एंड फॉलोअर्स की टेन एक्सट वेल्थ प्रोजेक्ट ये जो प्रोजेक्ट है दो महीने तक चलेगा जिसमें एक सेमिनार एक चैलेंज कुछ कोर्सेज सपोर्ट माइंडसेट ट्रेनिंग एक कम्युनिटी सारी चीज़ें हमने फ्री कर दी है एज अ एज अ गिव बैक टू द सोसाइटी तो ये बस नहीं आपको आपके ऑडियंस भी ज्वाइन कर सकते हैं नीचे लिंक होगी तो ये बिल्कुल फ्री है मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन फ्री होना चाहिए और जब आपको आगे बढ़ना है स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन बहुत ज़रूरी है राइट right. आप YouTube पे पचास वीडियो देखोगे लेकिन कोई इधर है कोई उधर है उससे तो मैंगना तो तो जी भी साथ में है, उस प्रोजेक्ट में yes. हैं तो, yes. आपकी हाई परफॉर्मेंस की जर्नी कैसे चालू हुई कि हो सकता था कि आप भी स्टॉक में ही रहते बट आपने एक अलग बात सुना वो इसलिए हुआ कि इट जस्ट डिफॉल्ट शन आई एम ए लॉयर मैं कॉर्पोरेट लॉयर थी यूबी के ग्रुप में जॉब करे और फिर मेरी शादी एक स्टॉक ट्रेडर से हुई बहुत सारे रेजिस्टेंस के बाद बिकॉज था जब उनका प्रपोजल आया तो मैंने ऐसे सीधा नीचे रख दिया कि स्टॉक ट्रेडर तो बिकॉज द फर्स्ट थिंग अबाउट स्टॉक मार्केट फर्स्ट की स्टॉक मार्केट एक्सेप्ट है यहाँ तो कोई पैसे नहीं बाहर yes, का व्यू यही है या और तो फैमिली ने किसी ने कि शेयर में बट uh, हुआ कि ये लोग फैमिली फ्रेंड्स थे मलकान और पेरेंट्स बड़े यकीन थे और वन थिंग जो विशाल के ददग, दग, 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 प्लस पॉइंट वर्ज दैट टाइम वर्ज उनके पास एक एम की डिग्री थी तो मुझे लगा बैकअप प्लान था, 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 था सो ऑन दैट यू नो ऑन पेरेंटल थिंग ऐसे चलो लेट मी कुछ नहीं कमाएंगे तो मैं तो हूँ मेरी अच्छी खासी जॉब थी बट वेन ए गॉट मैरिड आज जस्ट हैपन टू टेक अ थ्री मंथ ब्रेक और वो ब्रेक में मैं देखती थी ये चार्ट स्टडी करते थे ग्राफ स्टडी करते थे तो ऐसे ही कभी कभी ताना हो जाता था कि वैसे भी सट्टा कर रहा है क्या पढ़ के <laughs> करेंगे क्या कैसे करेंगे नैन ही वॉज लाइक कि भैया एक बार एटलीस्ट तुम सीख लो मैं क्या कर रहा हूँ समझ लो तो तुम्हें पता चलेगा एनी वेज योर ऑन ब्रेक दैट्स वे माई जर्नी स्टार्टड आई डिड द बेसिक कॉज इनके ही गुरु जी के साथ एंड देन मुझे बड़ा इंटरेस्ट आने लगा एटलीस्ट बेसिक कोर्स करके पता चला कि ये सट्टा नहीं है देर इज सम मेथड टू द मैडनेस क्यूरियोसिटी और जागी फिर मैंने एडवांस कोर्स किया एंड देन आई नेवर लुक बैक द जर्नी स्टार्टेड ऑफकोर्स जैसे कि हर एक ट्रेडर की जिंदगी में होता है मेरी भी जिंदगी में अप्स एंड डाउन एंड पिटफॉल्स एंड लॉसेज एंड एंगजाइटी वगैरह बट अफकोर्स हिस गाइडेंस हेल्प द लॉर्ड और ये पथ पर चलते चलते आई गॉट वेरी क्यूरियस के मार्केट तो सट्टा नहीं है तो पता चल गया बट ऐसा क्या है उन लोग देर आर पीपल हु मेक मनी लोग पैसा बनाते हैं और बहुत सारे लोग नहीं बनाते तो ऐसी क्या खास बात है उन लोगों में जो पैसा बनाते हैं सिस्टम्स वगैरह तो जो हम सबको सिखाया है वो सबके पास है लेकिन इन लोगों के पास कुछ और ख़ास है और वो क्यूरियोसिटी ने मुझे बहुत सारा मेरे साइकोलॉजी स्टडीज़ के अंदर मैं डीप पुत्री के यू नो फिर पता चला कि दीज पीपल जो पैसा बनाते हैं उनके पास एक माइंडसेट अलग होता है कम्पेयर टू दो पीपल जो पैसा नहीं बनाते वो रिस्क को अलग जैसे देखते हैं अलग तरीके से देखते हैं एंड देन ओपन द होल वर्ल्ड ऑफ न्यू यू नो डिस्कवरीज वो एडवेंचर्स और फिर पता चला धीरे धीरे जितना मैं पढ़ती गई आगे उतना ऑफकोर्स मेरी ट्रेडिंग जर्नी में मैस्ट्री करती गई एंड देन फिर पता चला कि दिस इज़ द की टू सक्सीड के यू you नो know, फिर जैसे कि मेरे गुरु बताते हैं कि कोई भी फील्ड में सक्सेस हासिल करना हो तो एट्टी परसेंट माइंड सेट की बात है ट्वेंटी परसेंट स्ट्रैटेजी की बात है और जैसे कि अभी हो रहा है हमारी बेस्ट स्ट्रैटेजीज फ्री है यूट्यूब पे लेकिन कितने जन उससे पैसा बनाते हैं हार्डली सम पीपल बिकॉज यू लैक द माइंड सेट टू अप्लाई दैट सो ट्रू तो हमारे जितनी भी स्ट्रैटेजीज है जो पैसा हम जो सिखाते हैं प्रोग्राम्स में वो हमने यूट्यूब पे भी फ्री में सिखाई है बट जैसे इन्होंने बताया कि जब तक सही माइंड और माइंड में बहुत सारे पहलू होते हैं जैसे बिलीवस हैबिट्स है सोच है एक कौन परसेप्शन है मनी मेकिंग के बारे में वो सारा बदलना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो वायरिंग हुई है कंडीशनिंग हुई है बचपन से वो वो हमको आगे नहीं बढ़ने देती हमको ऐसा सिखाया कि स्टॉक मार्केट रिस्की है गैम्बल है दूसरा है कि बहुत मेहनत करोगे आठ दस घंटा बारह घंटा तब जाके पैसा बनेगा राइट तो वो यहाँ पे ऐसा है कि चलो काफ़ी लोगों को लगता है बहुत आसान है एक बटन दबाया पैसा बनाया ऐसा नहीं है यहाँ पर भी हमारे तो मेरी तो पूरी ज़िंदगी निकल गई अभी भी मैं सीख रहा हूँ तो मेहनत सब जगह पर है खाली यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि आप बिज आप स्ट्रेटेजिकली ट्रेड कर रहे हो सिस्टमेटिकली ट्रेड कर रहे हो आप बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है अगर रिस्क को बराबर से कंट्रोल किया तो एक बहुत अच्छा बिज़नेस बन सकता है और जैसे बाकी सारे प्रोफेशनस होते हैं जैसे डॉक्टर है लॉयर है इंजीनियर है सब जगह पर पढ़ाई करते हैं फिर पैसा बनाते हैं तो यहाँ पर भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है हाँ, तो कहीं ना कहीं लोग जो बाहर का पर्सपेक्टिव है वो क्योंकि उसको समझते नहीं उसके पीछे की जो साइंस है शायद जो स्टेटिस्टिक्स या जो डेटा है वो कई बार लोग नहीं समझ पाते तो सो so, क्या इसके पीछे कोई साइंस भी जैसे डेटा साइंस है स्टेटिस्टिक्स है उनका कितना रोल है कितना परसेंट प्रडिक्टिविलिटी अकॉर्डिंग टू यू इज देयर परफेक्ट सो देर आर टू काइंड ऑफ एनालिसिस टू काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स वन इज़ फंडामेंटल एंड वन इज़ टेक्निकल फंडामेंटल मतलब जैसे आप कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे उसका सेल्स देखोगे उसका रिटर्न देखोगे उसके कॉम्पिटिटर्स देखोगे उसका प्रोडक्ट क्या है वो सब रेशियोज़ होते हैं पी रेशियो ई पी एस रेशियो बैलेंस शीट ये सब लॉस प्रॉफिट तो डेट कितना है प्रोमोटर कौन है मैनेजमेंट कौन है तो ये बहुत सारा डेटा है अब ये फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं अच्छे से कर सकते हैं और काफ़ी लोग करते हैं उसके लिए बट बैकग्राउंड चाहिए आपको फाइनेंस का या तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या तो आप एम फाइनेंस हो ये आम आदमी नहीं कर सकता है ये डेटा मिल भी जाए तो वो उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा एक अकाउंटेंट एक इंजीनियर को अगर ये डेटा दिया तो वो क्या करेगा डेटा है सिर्फ हाँ, वो तो उस साइड तो नहीं मिलेगी उसका हाँ, तो दूसरा जो है पहलू वो है टेक्निकल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस कोई भी कर सकता है क्योंकि उसमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए उसमें आपको चार्ट को स्टडी करना है जो हम सिखाते हैं और वो एक आम आदमी भी, भी कर सकता है क्योंकि उसमें पैटर्न को स्टडी करना है जैसे आपके जैकेट पे कुछ पैटर्न है जैसे मेरे टी शर्ट पे पैटर्न है ये पैटर्न मतलब वो मार्केट में भी पैटर्नस होती है अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड तीन ही ट्रेंड होती है और वो चार्ट्स के ज़रिए हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उससे मार्केट में ट्रेड करना है कि ये पैटर्न कंटिन्यू होगा तो ऐसा होगा कंटिन्यू नहीं होगा तो नीचे जाएगा तो मैं उसको लॉस बुक कर दूंगा तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बन जाता है और उसी को मैं इतने साल से पढ़ाई कर रहा हूँ और सिखा रहा हूँ और एक आम आदमी आज हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट हैं जो नॉन स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड से जैसे ये भी थी वैसे डॉक्टर लॉयर इंजीनियर फार्मर्स ऊबर ड्राइवर्स Uh, uh, so मेहनत पड़ मुझे, मुझे करनी पड़ेगी अच्छा कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन विल बीट पर्सन जिसके पास लो आई क्यू है लेकिन वो कंसिस्टेंटली करेगा डिसिप्लिन से करेगा मेहनत करेगा तो वो हाई आई क्यू को भी बीट कर सकता है क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं है तो आई क्यू की ज़रूरत नहीं है मेहनत करनी है और एक अंदर से एक माइंड सेट जो इन्होंने बताया ना कि बिलीव होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ अंदर से पहले से अगर मैं नहीं कर सकता हूँ ये सट्टा है गैम्बल है तो पहले से आपने अंदर से हार मान ली तो फिर तो पॉसिबल नहीं है राइट कहा आप जैसे कि अगर पहले से अगर ये परस्पेक्टिव है तो यानी कि आप अंदर से फियरफुल ही हैं तो जो कई बार हम एल में भी बात करते हैं आई टी चीज प्रोग्रामिंग तो हम स्टेट की बात करते हैं उसके अंदर कि अगर आप फियर एंगजाइटी या इवन ग्रीड इफ़ यू आर इन अन रिसोर्सफुल स्टेट यू विल लूज एक्सेस टू यूर इंटरनल रिसोर्सेज तो आपका जो भी आपने ज्ञान लिया है जो भी आपको पैटर्न पता है वेन यू आर अनर रिसोर्सफुल आपको वो नॉलेज का एक्सेस ही नहीं रहेगा वो एक्सपीरियंस का एक्सेस ही नहीं रहेगा यू विल एक मशीन की तरह ऑटोमेटिक रिएक्शन आप दे देंगे बिकॉज यूर नॉट एबल टू हैंडल यूर ग्रीट सो मैं कई बार लोगों को कह देखता हूँ कि आ, सीख के आएँ कोर्स सीख के आए पता भी है कि क्या करना चाहिए मगर फिर भी उस मोमेंट में वो रिएक्ट कर देते हैं और गलत डिसीजन लेते हैं सो इट इज़ सो गुड दैट के आपने

तो ये ये तो वो कर ही रही है बट हमने सोचा कि मेडिटेशन के सबसे बेस्ट रिसोर्स कौन है इंडिया में तो हमारा टाइप हमने श्री श्री रविशंकर जी के फाउंडेशन से भी किया है और उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया और उन्होंने हमारे उनका पॉडकास्ट भी उन्होंने बोला कि हमारा जो मेन प्रोग्राम है ए बी सी टी यानी बडी कैन ट्रेड उसके साथ हम हैप्पीनेस कोर्स जो है तीन दिन का सुदर्शन क्रिया वाला वो कंपलसरी है तो आप ट्रेडिंग भी सीखोगे रिस्क मैनेजमेंट भी सीखोगे माइंड भी सीखोगे और सुदर्शन क्रिया भी सीखोगे तभी जाके आपका माइंड स्थिर होगा और हमारे एडवांस प्रोग्राम में हमने उनके सारे कोर्सेज़ को ऐड कर दिया कि वो एक साल तक सारे एडवांस कोर्स सर्च समाधि हैप्पीनेस कोर्स अब ये काफ़ी लोगों को वियर्ड भी लगता है रे मेडिटेशन का क्या ज़रूरत है इधर बाय करना है इधर सेल करना है बट वो जब तक समझेगा नहीं एक्सपीरियंस नहीं करेगा तब तक समझे कभी कभी मार्केट इजी होता है अब ट्रेंड में चलता है तो सब पैसा बनाते हैं तो काफ़ी लोगों को लगता है कि मेरे को इसकी ज़रूरत ही नहीं है माइंडसेट की ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है मैं तो पैसा बना रहा हूँ लेकिन जब टफ टाइम आता है मार्केट जब साइडवेज होता है चॉपी होता है वॉलेटाइल होता है जब लॉस होता है और वो लॉस से उभर के सब फिर से बाहर आना है उसके लिए तब हमको स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए वो स्थिरता चाहिए और इसीलिए हमने ये सारे इंटीग्रेट किया एक साथ सो ब्यूटिफुल आई थिंक दिस इज यूर द फर्स्ट वन टू डू दिस आई थिंक आई डोंट थिंक एनी बडी आई नेवर हर्ड ऑफ दिस बिकॉज आई थिंक दिस अ टोटल होलिस्टिक अप्रोच यू गाइज आर फॉलोइंग सो गुड टू नो दैट बिकॉज इवन दिस ब्रॉडकास्ट इज अबाउट इनर वेलनेस वी फोकस अ लॉट ऑन की द इम्पोर्टेंस ऑफ इनर वेलनेस इन बिजनेस इन एनी थिंग डू टू अगर हम डीपली अगर स्टिल नहीं है और अप्स एंड डाउन सेटबैक्स फेलियर्स रिजेक्शन ये सब तो हमेशा पार्ट ऑफ लाइफ रहने वाला है इनको आप कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते तो इनको डील करने के लिए मैं आगे पूछने ही वाला था अच्छा वह आपने बता दिया कि तो आई थिंक आपको भी जब ये सब चीज़ें होती होंगी आज भी तो यू फॉलो मेडिटेशन दिस इज दू टल इट यस मेडिटेश और अपर्मेशन है, है फिर बोलते ना साइलेंस टाइम है मतलब पूरा मौन व्रत जैसा जैसे हमने मैंने श्री शि जी के साथ आ, उनका सिग्नेचर कोर्स किया था तो चार दिन तक पूरा साइलेंस आश्रम में रहे थे तो उससे बहुत सारी वो स्थिर होता है बहुत सारा रिफ्लेक्शन होता है कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ कहाँ सही जा रहा हूँ क्या मेरे को लाइफ में करना है बट ज्यादातर जो बॉम्बे की लाइफ है जनरली जो इतनी फास्ट है कि हम वो सब सोचते नहीं है जो और इसमें जो स्टॉक मार्केट में गेम है वो जैसे वारन वफे बताते हैं कि पैसा ट्रेडिंग में और ट्रेड करने में नहीं है पैसा वेटिंग में है जब आप लेके बैठते हो और सोचते हो और उसको होल्ड कर पाते हो और वो माइंड स्थिर नहीं होगा तो आप क्या देखोगे सौ में लिया एक सौ दस हो गया निकल जाओ रिएक्शन yes. यस वो बहुत फास्ट रिएक्ट कर रहे हैं अब मैं सौ में लिया और एक सौ दस हुआ तो कोई गलत नहीं है ना मतलब सही है आप तो अच्छा कर रहे हो कोई गाय नहीं है ऊपर ही जा रहे हैं सौ का नब्बे होता है तो गाय होनी चाहिए भाई ये तो नीचे जा रहे हैं बट हम लोग उल्टा करते हैं सौ का नब्बे होता है तो रुक जाते हैं अस्सी होता है तो और रुक जाते हैं फिर बोलते हैं हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वो गलत है तो ये इसीलिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है क्या बात है वो एक थोड़े दिन पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पर लिखा था दैट इन द वर्ल्ड एडिक्टेड टू स्पीड स्टिलनेस इज सुपर पावर तो समटाइम इट इज़ गुड दैट और आई थिंक वो आप दोनों की पर्सनैलिटी में वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कि स्टिलनेस इज देयर यानी कि यू आर प्रैक्टिसिंग वोट टू आर प्रीचिंग बिकॉज मनी टाइम्स पीपल अंडरस्टैंड थिंग्स कॉन्सेप्चुअली बट देट एक्चुअली अप्लाई इट इन देयर लाइफ सो आई थिंक दैट इज द रीजन वाई सो मैनी पीपल आर कनेक्टिंग विथ यू गाइज सो आपने एक बताया मुझे कि एनी बडी कैन ट्रेड तो ये मेरे जानकारी के लिए भी मैं आपसे पूछूंगा क्या ये सही में पॉसिबल है कि कोई बैकग्राउंड नहीं कुछ नहीं एनी बडी कैन ट्रेड इज़ इट इज़ इट ट्रू ये क्वेश्चन मैं अगर इसको कि हम लोग यही काम कर रहे हैं पंद्रह साल से आज एनीबडी कैन ट्रेड हमने सेवेंटी थ्री टाइम्स किया है लास्ट आठ साल में उसमें पैंतालीस से पचास हज़ार के बीच में लोगों ने अटेंड किया है और नाइन पॉइंट टू का रेटिंग दिया है उस प्रोग्राम को एज़ अ फीडबैक और पहले फिजिकल करते थे मुंबई बेंगलोर चेन्नई राजकोट सूरत और आज डिजिटल करते लास्ट वाला एनी बडी कैन ट्रेड वी एट सिक्स थाउजेंड प्लस पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और इसमें सब तरह के लोग आते हैं होम मेकर से लेके डॉक्टर लॉयर इंजीनियर से लेके स्टूडेंट से लेके कर से ले कर ऊबर ड्राइवर से लेके सब तक तर, तरह के लोग आते हैं और उसमें वही होता है पहला एक दिन है ना उनको लगता है कि मैं कहाँ आ गया क्योंकि हम पहले एक दिन ट्रेडिंग की बात ही नहीं करते पहला एक दिन हम क्या बात करते हैं आप बताइए पूरे माइंडसेट के ऊपर बात करते हैं कैसे हमारी मतलब उनकी एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम क्या है क्या पैसों के बारे में सोचते हैं क्या मार्केट के बारे में सोचते हैं रिच पीपल के बारे में क्या सोचते हैं ट्रेडिंग के बारे में क्या सोचते हैं सो इट्स ऑल अबाउट दैट और फिर उनको यू नो कि चलो सोच है उनको पता चल गया ये है लेकिन अब आगे जाके क्या करना है यू नो हाउ डू यू वर्क ऑन दैट हाउ डू यू चेंज दैट कैसे विजुलाइजेशन से हमारे फ्यूचर के बारे में हम विजुलाइज करके यू you नो know, वो बदल सकते हैं ऑल अबाउट जस्ट द माइंड सेट क्या बात है तो कुछ बिलीफ आप शेयर कर सकते हैं बिकॉज हमने भी जिस जगह से हम आते हैं तो पैसे को लेकर कई नेगेटिव माइंड सेट जो एसोसिएशन की जिनकी हम बात करते हैं तो आपने कोई पैटर्न देखा है कि जनरली ये चार पांच रॉन्ग एसोसिएशन है जो जनरली लोग पैसे के बारे में रखते हैं एब्सोल्यूटली और आई थिंक बहुत सारा मैं बताती हूँ ना पचास टका से ज़्यादा काम तो सिर्फ इसी पे होता है एक बार ये हो गया फाउंडेशन बदल गया फिर बड़ा आसान होता है उन्हें रिस्क समझाना सिस्टम समझाना लेकिन फाउंडेशन पे नहीं काम करते तो बड़ा डिफिकल्ट होता है सो फॉर एग्जाम्पल इन शेयर अ शेयर फ्यू तो लोग ये बिलीव के साथ आए स्पेशली रेडिंग टू मनी बाकी तो बहुत सारे ऐसे पैसों के ही ले लेते तो रिच पीपल ना कुछ ना कुछ गड़बड़ करके रिच होते हैं <laughs> कुछ ना कुछ गोल जो <laughs> ना जो काम कर, कर, का का कर रहे करते हैं रिच पीपल आर नॉट ऑनेस्ट पीपल दे डोंट लैक इंटीग्रिटी सेकेंड ये होता है कि या तो आप पैसा कमा सकते हो या तो आप खुश रह सकते हो यू कैन नॉट हैव इट ऑल या तो अच्छे रिलेशनशिप होते हैं अच्छी हेल्थ होती है या तो आप रिच होते हो यू कैन नॉट बी रिच एंड हेल्दी एंड हैव ग्रेट यस है दैट इज़ इट एंड देन थर्ड वाला ये होता है कि आई एम नॉट गुड इनफ टू मेक मनी मैं कौन होता हूँ लेकिन इफ़ यू सी अ पर्सन विद लाइफ स्टाइल वो अच्छा है उनकी जगह लेकिन आई एम नॉट वर्दी टू गेट दैट बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसिस पास्ट फेलियर्स उनकी फैमिली की अपब्रिंगिंग जैसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं उनके फैमिली या प्रीवियस फैमिली में ऐसा सो दे कम विथ सो लॉर्ड ऑफ और कई लोग पास्ट मनी ट्रामाज जो हम बोलते हैं उनके साथ आते हैं कोई बड़ी लॉस हो गई या तो मार्केट में नहीं तो आउटसाइड किसी ने उनसे चीटिंग कर दी उनके फादर के बिजनेस लॉस हो गई एक्सेट्रा एक्सेट्रो so कोई आपकी ज़िंदगी में पैसों का ट्रामा हो जाता है इट लीज़ अ वेरी डीप इम्पैक्ट इन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड एंड एवरी डिसीशन इज़ You know, Control by the or, yes. वो बार बार वापस आता रहता है सो अन वर्क तो सिस्टम समझ में नहीं आएगी रिस्क समझ में नहीं आएगा सो दैट इज वाई दिस वर्क इज आपने बताया ना कि वो अनरिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं वो उनको रिसोर्सफुल स्टेट में पहले करना पड़ता है और फिर मैं मार्केट की बात करता हूँ जहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट अगर मेरे को स्ट्रैटेजी सिखाना है, मेरा आधा घंटे का काम है लेकिन वही आधा घंटा अगर पहले सिखा दो तो वो कोई समझेगा ही नहीं उनको लगेगा ये क्या बोल रहे हैं बट जब ये पूरा ओपन हो जाते बिलीफ के साथ और वो उसके साथ उसके बाद ही आनी जरूरी है।, है फिर हम उसको स्ट्रैटेजी सिखाते हैं और वो बहुत आसान है तब समझ में आता है अभी जैसे और बिलीव्स क्या है कि पैसा बनाना बहुत मुश्किल है बारह घंटे काम करना पैसे पेड़ पे नहीं पेड़, लगते, पेड़ पे नहीं लगते हैं हाँ। तो और हम मैं तो लोअर मिडिल क्लास से हूँ तो मैं बड़ा सो, बड़ा सोचने को भी डर लगता है कभी कभी ऐसा कि वो अभी आप मैं हम लोग भी लोअर मिडिल क्लास से तो मैं जब शुरू किया था तो हम भी मिडिल क्लास से थे बट वो जो आपका दूसरा जो एक है आजू बाजू का जो एनवायरमेंट है आजू बाजू के जो लोग हैं वो कैसे वो बहुत इम्पैक्ट करता है कि अगर वो आपको आगे बढ़ता है लेकिन वो आगे, आगे आपको बढ़ने नहीं देते कि बोला क्या तू करोड़पति बनेगा मेहनत कर जॉब कर बट उससे अच्छा कोई इंस्पायर करेगा आपको कि हाँ तू भी कर मैं भी करता हूँ मैं इंस्पायर करता हूँ ये पढ़ ये सीख वो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे जिम रोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है दैट यू आर द एवरेज ऑफ़ फाइव पीपल यू स्पेंड टाइम विथ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस तो वो वो भी हमको उनको सिखाना पड़ता है दिखाना पड़ता है कि कैसे आप अपने आजू बाजू के एनवायरमेंट को बदलोगे तब आपकी लाइफ बदलेगी राइट आई थिंक अच्छा आपने एनवायरमेंट का पॉइंट लिया कई बार हम सिर्फ माइंडसेट और स्किल सेट की बात करते हैं बट आई थिंक थर्ड फैक्टर और है कि माइंडसेट स्किल सेट एंड एनवायरमेंट ये तीनों चीजें ही एक्चुअली हमें शेप कर रहे होते हैं यस एब्सोल्युटली सो इसमें कोई जैसे आपने कहा एनीबडी कैन बिकम अ ट्रेडर बट इतने सालों में आपने कोई ट्रेंड देखा है कि जो लोग सफल होते हैं उनमें कोई सीड ऐसा है कि कोई बेसिक ये कुछ क्वालिटीज चाहिए अगर ये क्वालिटी हो तो सफलता की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है यस yes, तो so मैं समझूंगा कि हम जो हमने भी जो सक्सेस हासिल किए जो भी अभी तक किया है उसमें उसमें दो तीन चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है एक है यू आर कोचेबल आप सीखने को तैयार हो आप कभी कभी ना, वो ना, होता मिक्स है कि, या या तो है या नहीं है नहीं वो वो बोलते हैं ना सबसे डेंजरस वर्ड्स इंग्लिश में क्या है पता है आई नो दैट मुझे पता है मतलब पता है तो भी लोग करते नहीं है तो अगर वो आप निकाल दो कि मैं सीखने को तैयार हूँ आज हम लोग भी बहुत सारी ट्रेनिंग लेते हैं कोचेज है हमारे ऊपर भी हम साल में हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे कोचिंग में ही जाता है तो वो जब तक हम सीखते नहीं है तब तक आगे नहीं बढ़ते और दूसरा जो जिमरॉन का फेवरेट कोट है वो है कि फॉर्मल एजुकेशन मेक्स यू यूर लिविंग सेल्फ एजुकेशन मेक्स यू और फॉर्चून तो हमने हमारे पास तीन तीन डिग्री है दोनों के पास एम बी ए फाइनेंस डिप्लोमा इन सेल्स एंड सी एम टी चार्ट मार्केट टेक्नीशियन और सी एस एल एल बी और चार्ट मार्केट टेक्नीशियन पर यह छः डिग्री मिलकर भी कुछ नहीं हो सकता था जब तक हमने सेल्फ एजुकेशन का पाथ एक्सप्लोर किया लास्ट दस साल से हम कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड करें फिर वो रॉबिन शर्मा हो टोनी रॉबिन्स हो ब्रेंडन बुशोर्ड हो जैक कैनफील्ड हो Uh, कवे और स्टीफन कोवे हो मतलब सारे तरह के कोर्सेज और बिजनेस कोर्सेज माइंड सेट कोर्सेस ये करते करते हम यहाँ पे आए इसमें दो तरह का फायदा होता है एक तो हम अपने लाइफ में अपने जीवन में उतारते हैं अपने बिजनेस में उतारते हैं और अपने स्टूडेंट्स को पास ऑन करते हैं तो ये जो आपने बताया कि हमारा पूरा कोर्स होलिस्टिक है तीन थ्री सिक्सटी डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन अब मैं उनको ओपनली बोलता हूँ कि अगर आपको खाली ट्रेडिंग सीखना है स्ट्रैटेजी सीखना है तो आप कोई भी कोर्स मत ज्वाइन करो स्टॉप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लो आपको सब फ्री में मिल जाएगा बट आपको लाइफ ट्रांसफॉर्म करना है आपको अपने आप को बदलना है थ्री सिक्सटी माइंड बॉडी सोल तब जाके कोर्स में आओ तब हम सारी चीज़ों पे काम करते हैं क्या बात है सो so, कोई आपके कोई प्रिंसिपल्स हैं इसमें डू यू हैव सर्टेन रूल्स रूल्स जो आप rules जैसे? Yes, six, seven rules है ये सिक्स सेवन रूल्स हैं जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ ट्रेडिंग में कुछ पर्सनल रूल्स हैं है yes, मेरे बहुत सारे जो बोलते हैं ना वो पंच पंचलाइंस है जो मैं हर बार हर वीडियो में यूज करता हूँ इज दैट फर्स्ट इज फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट तो वो क्या है कि हमारा एक प्रोसेस है जे सिस्टम है कि यहाँ पे होगा तो बाय करना है यहाँ पे होगा तो सेल करना है यहाँ पे होगा तो स्टॉप लॉस मतलब लॉस बुक करना है यहाँ पे होगा तो प्रॉफिट बुक करना है तो प्रोसेस हो गया तो प्रोसेस डिवन होता है तब आपके इमोशंस कम हो जाते हैं और मार्केट में इमोशंस का ही खेल है एंड वेन द इज अनदर द कोड विच दैट मैन इमोशंस आर हाई इंटेलिजेंस इज लो तो अगर प्रोसेस डिवन होगा तो इमोशंस अपने आप कम हो जाएगा मेरे को यही करना है कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए द फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट सेकेंड वो बहुत मेहनत के और बहुत बड़े बहुत सालों के बाद सीखा जो मैंने गलतियाँ करके वो है गो डीप नॉट ब्रॉड मतलब एक चीज को पकड़ के आप डीप में उसको मास्टर करो ना कि बहुत सारी चीज करने की कोशिश करो तो टेक्निकल एनालिसिस जो हम सिखाते हैं उसमें बहुत सारे टूल्स और इंडिकेटर्स होते हैं आपने सुना होगा मूविंग एवरेज कैंडलस्टिक पैटर्न आरएसआई ये सब ट्रेंड लाइंस और वैसे तो उसमें से मैं पहले बहुत सारी चीज़ करने की कोशिश कर रहा था मुझे लगा कि सब करूंगा तो ज़्यादा पैसा बने लेकिन ऐसा नहीं था सही लेसन जब हुआ कि जब एक चीज़ को मैं डीप में स्टडी कर रहा हूँ और लास्ट पंद्रह साल से वही सीखा रहा हूँ जिसका टूल का नाम है आर एस आई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स तो वो मैं मैस्टर करूँ ऐसा नहीं कि वो बेस्ट है मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसमें मैं मैस्ट्री करूँ तो बहुत सारी स्ट्रैटेजी सीखने की ज़रूरत नहीं है बहुत सारे टूल्स सीखने की जरूरत नहीं है एक ही स्ट्रैटेजी को हाईलाइट करना है जैसे वो ब्रूसली का एक आ, कोट है कि आई डोंट फील अ पर्सन हु नो इज़ टेन थाउजेंड किस बट आई फीवर अ पर्सन हु हैज वन किक डन टेन थाउजेंड टाइम्स तो वो मैस्ट्री लाना बहुत ज़रूरी है और तीसरा जो मेरा आ, पंच लाइन है इज़ कॉल्ड लेस इज़ मोर कम ट्रेड्स कम स्टॉक्स कम टाइम कम स्ट्रेस कम स्ट्रेटी ज़्यादा पैसे और ज़्यादा खुशी जितना कम करोगे मैं लाइफ में भी यूज़ करता हूँ कम फ्रेंड्स कम मतलब सब जगह पे कम 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 करोगे लेस इज़ मोर मतलब मिनिमलिस्टिक काम करते हैं तो आज ऐसा नहीं कि हम लोग हमारी कोई भी ट्रेडिंग ऐसी है कि जो पूरा दिन सुबह नौ बजे से लेकर तीन बजे तक बटन दबाते रहो ऐसा काम नहीं है हमारा काम ऐसा है कि आप अपने पैरल प्रोफेशन के साथ मतलब आपका बिजनेस है जॉब है एंटरप्रेनर हो स्टूडेंट हो आप उसके साथ ट्रेडिंग कर सकते हो खाली सुबह आधा घंटा देना है स्ट्रैटेजी आपने ऑर्डर डाल दिए फिर आप अपना काम करो वो मार्केट अपना काम करेगा तो फ्रीडम होगा नहीं तो तो जॉब जैसा ही हो गया सो ये लेस इज मोर फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट एंड गो डीप नॉट ब्रॉड क्या बात है सो so, मार्केट में कुछ मिथ्स भी मैं देखता हूँ आपने बहुत अच्छे से ये क्लियर किया अभी जो तो टाइम वाला पार्ट देखा तो कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि आपको बहुत समय चाहिए ये करना है तो टाइम नहीं है मेरे पास में तो सो so, क्या मिथ आप देखते हैं जो मार्केट में स्टॉक को लेकर के या ट्रेडिंग को लेकर के जो मिसकनसैप्शन एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे हैं कि पहले तो आ, पहला तो है कि आप टिप्स और न्यूज़ और मेरे पास अंदर की खबर और ये सब आ, कुछ बाहर आपने टीवी पे सुना तो आपको लगा ये चल जाएगा न्यूज़ के न्यूज़ पे उसके ऊपर नहीं डिपेंड होना चाहिए सेकंड है कि बहुत ज़्यादा पैस, ज़्यादा पैसे चाहिए मार्केट में ट्रेड करने के लिए नहीं चाहिए आप एक शेयर ख़रीद सकते हो समझो आपने टाटा मोटर्स खरीदा एक शेयर तो साढ़े छः में एक शेयर मिल जाएगा तो वैसे एक शेयर से भी शुरू कर सकते हो कम मतलब कैपिटल बड़ा नहीं चाहिए दूसरा आपको बहुत सारी बहुत सारा टाइम भी नहीं चाहिए जैसे मैंने बताया कि हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि आपको सिर्फ आधा घंटा काम करना है बट जब सीख रहे हो समझो ठीक है जब हमारा वन ईयर का भी कोर्स होता है उनको हम बताते हैं कि आपको दिन का एक दो घंटा दोगे तो ये आप आराम से कोर्स कर सकते हो अपने साथ सारा जो हम सिखा हैं एक साल में सो so, टाइम ज़्यादा नहीं चाहिए पैसा ज़्यादा नहीं चाहिए एक चाहिए कि एक अंदर से वो आ, विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ मेहनत करनी चाहिए और इसको सिस्टमेटिकली करना चाहिए बस इन लवली ब्यूटिफुल सो so, जब कुछ सेटबैक आता है राइट कि कभी कभार अगर ख़राब दिन भी रहते होंगे सो हाउ डू यू हैंडल दोज सेटबैक्स वॉट इज़ योर इनर कॉन्वर्सेशन इन दोज मोमेंट्स हाउ डू यू हैंडल दैट सेटबैक्स में तो अभी जैसे माइंड की बातें कर रहे हैं हम लोग तो उसमें एक चीज़ अंदर से विश्वास है कि ये जो कला है हमारे पास स्किल है जो हमने इतने साल से मास्टर की है ट्रेडिंग की और इन्वेस्टिंग की वो हमारे पास है आज भले लॉस हो गया आज भले हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया बट कल हम वापस कमा लेंगे और मार्केट चलता ही रहेगा कभी बंद नहीं होने वाला हो है कोविड में भी एक भी दिन बंद नहीं था तो वो कला जब अंदर से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे पास जब तक कला है तब तक मेरे को कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि और मेरे मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ ना मेरे को कोई न्यूज़ चाहिए ना कोई मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए ना मेरे को टी देखना है न्यूज़पेपर देखना है मेरे को खाली चार्ट्स देखने स्क्रीन पर और मेरी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है तो वो एक दिलासा देती है और इतने साल ट्रेड करने के बाद बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखने के बाद समझ में आ गया कि जब अपना नहीं चल रहा है तब आप थोड़ा सा स्लो कर दो ठंडा कर दो गाड़ी सेकेंड गेयर में डालो जब चल रहा है अच्छा सा तो फिफ्थ गेयर में डालो पैसा बनेगा सीजनल बिजनेस है हर महीने नहीं कमाओगे आप लेकिन जब कमाओगे तो एक साथ कमा सकते हो और तभी आपको फुल फिफ्थ गेयर में गाड़ी डालनी है लवली so, सो सुशाल जी रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है बिकॉज uh, रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क में अंतर होता है तो कई लोग रिस्क मतलब कि ब्लाइंडली किसी चीज़ में पूछ जाना सो हाउ कैन डू हाउनी वही मैं, भी वही सिखाता हूँ कि दो तरह के रिस्क होते हैं ब्लाइंड रिस्क और एक कैलकुलेटेड रिस्क और ब्लाइंड रिस्क मतलब आपको तैरना नहीं आता और सीधा बीस फुट में पानी में जंप मार दिया आपने और कैलकुलेटेड रिस्क मतलब आपको तैरना नहीं आता पहले चार फुट में जाते हो फिर पाँच फुट में, में जाते हो सीखते हो फिर बीस फुट में जाते हो वैसे यहाँ पे काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं तो सीधा जैसे बोलते हैं एक शेयर खरीदने के जगह पे सीधा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो डेरिवेटिव्स पार्ट है जो काफ़ी लोग बोलते हैं कि डेंजरस है रिस्की है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन डेंजरस नहीं है कुछ भी डेंजरस नहीं है डेंजरस जब होता है जब आपके पास नॉलेज नहीं है जब आपको बेसिक भी नहीं पता है आप सीधा फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो रिस्क हो जाता है तो मैंने जो अपना रिस्क लेसन बहुत पहले सीख लिया था और वो मैं हमेशा हमारा हर एक पॉडकास्ट में बताना चाहता हूँ और वो है कि जब मैं सोलह साल का था और जब ट्रेड करता था जब स्टॉक मार्केट जाता था बिल्डिंग में वहाँ पर एक ऑफिस में बहुत सारे लोग ट्रेड करते थे और वहाँ पर एक अंकल होते थे जो जिनसे लोग एडवाइस लेते थे और वो एक्सपर्ट थे मतलब तो उन्होंने मुझे एक बार बुलाया कि क्या कर रहे हो यहाँ पे मैं ना सीखने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुमको क्या लगता है यहाँ पे लोग पैसा बनाते हैं मैंने बोला हाँ आप ही तो एडवाइस कर रहे हो <laughs> तो बोला वो कोई एडवाइस सुनता नहीं है ये लोग अगले साल रहेंगे नहीं पिछले साल और लोग थे हर साल नए लोग आते लॉस करके चले जाते हैं मैं पंद्रह साल से यहाँ पर खड़ा हूँ तो उसके पीछे एक गोल्डन मंत्र है गुरु मंत्र तुमको मैं देता हूँ अगर तुमको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो ये गुरु मंत्रों को फॉलो करो बोला क्या है गुरु मंत्र उन्होंने मुझे गुजराती में बताया मैंने आपको इंग्लिश में बताता हूँ लर्न टू बुक और लॉस तो ये बहुत सिंपल लगता है लेकिन लोग करते नहीं है कुछ भी होता है नीचे जाता है रुक जाते है। और हमारे अंदर से दिमाग में हमारे बचपन में कंडिशनिंग या जो भी हम स्टोरीज सुनते हैं movies मूवीज़ देखते हैं उसमें क्या होता है हमको ऐसा सिखाया गया कि नेवर गिव अप ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट बट वो स्टॉक मार्केट में काम नहीं आता है यहाँ पे आपको गिव अप करना पड़ेगा अगर आपने सौ में लिया तो नब्बे में बेचना पड़ेगा क्योंकि नीचे कितना जाएगा किसी को नहीं पता है और ऊपर जाएगा वो भी नहीं पता है आपको अपने रिस्क कंट्रोल में करना चाहिए और दूसरा जो उन्होंने मेरे को दूसरा सेंटेंस बताया वो बहुत ही पावरफुल है वो मुझे अभी तक याद है कि और जब भी मेरा कोई ट्रेड लॉस में जाता है मुझे वो याद आ जाता है है या तो उंगली काट नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा सो so ब्यूटीफुल और इतने सालों में मैंने बहुत बार उंगली काटी है और बहुत बार हाथ भी काटा है और गला नहीं काटा है मैंने देखा है कि बहुत लोगों का गला कट गया है क्योंकि वो सिंपल है कि कोई भी चीज़ सौ से जीरो नहीं होती है सौ से नब्बे होगी तब मार्केट आपको बता रहा है कि भाई आपको उंगली काटनी है बट लोग नहीं करते बोलते होप होप फॉर द बेस्ट नेवर गिव अप तो वो रुक जाते हैं तो वो प्रॉब्लम है अगर आप खाली एक ही चीज़ ये पॉडकास्ट से समझ जाए आपके ऑडियंस की लॉस कंट्रोल करना सीख लो जैसे हम क्रिकेट की लैंग्वेज में बताते हैं कि विकेट होनी चाहिए विकेट होगा तो रन बनेगा हमारा विकेट हमारा कैपिटल है कैपिटल को बचा के रखो वॉरेन बफे का भी कोर्ट है रूल नंबर वन नॉट टू लूज़ मनी रूल नंबर टू फॉलो रूल नंबर वन तो अगर आप पैसा रखोगे पैसा जाना नहीं चाहिए आप लोग पैसा बनाने को आते हो मैं समझता हूँ कि आप उल्टा सोचो कि मैं स्टॉक मार्केट एंटर करता हूँ और अगले दो साल तक मैं ट्रेड करके खाली लॉस नहीं करूँगा मतलब मैं ऐसा नहीं बोला कि बिल्कुल लॉस नहीं होगा बस ज़्यादा लॉस नहीं होगा कि मैं सस्टेन कर जाऊँ खाली ये गोल्ड रखोगे दो साल तक तब आप मार्केट को समझोगे गेम को समझना पड़ेगा आपने भी ये पॉडकास्ट शुरू किया तो आपने बहुत रिसर्च की इसीलिए आपका पॉडकास्ट इतने कम टाइम में इतने सारे व्यूज़ और इतने सारे सब्सक्राइबर्स आपके बढ़ गए तो आपने किया। ही को आ रहा है, तो उसकी डेट अगर फिर से आप रिमाइंड करा दें या तो टेन वेल्थ प्रोजेक्ट है ये हमारे पंद्रह साल के सेलिब्रेशन में हो रहा है उसमें हम एक लाइव इवेंट एक लाइव चैलेंज कोर्सेज माइंड सारी चीजें फ्री कर रहे हैं और लाइव इवेंट हो रहा है सप्टेम्बर ट्वेंटी और लाइव चैलेंज हो रहा है अक्टूबर अक्टोबर को तो आप अटेंड कर सकते हो सारी चीजें और ये एक बड़े मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हो जहाँ पे आपको क्रिएट करना है ग्रेट इनिशियटिव थैंक यू सो मच सो इतने सारे लोगों ने आपके प्रोग्राम्स किए हैं कुछ अगर के स्टडीज आप कुछ डिफरेंट फील्ड से दे सकें ताकि लोगों को जो इन करेज मिलता है वो मिल सके तो लॉट ऑफ पीपल जो यू नो जिनके लिए अभी सुनेंगे तो इट्स साउंड सर रियल के कहाँ से कहाँ यू नो कौन सी फील्ड में अभी है और क्या कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव अ फार्मर कमिंग फ्रॉम अ टायर थ्री सिटी इन मुंबई और टायर टू टाउन इन इंडिया और वहाँ पे उनकी स्टोरी देखेंगे तो फार्मिंग करते थे फार्मिंग से अपना घर चलाते थे यूट्यूब पे वीडियो देखा और फिर पॉसिबिलिटी जागी कि मैं कर सकता हूँ धीरे धीरे करके फ्री कोर्स से लेके पेड प्रोग्राम में आए एंड देन इतना अच्छा कर रहे अभी द होल द होल उनका पूरा फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्री चेंज हो चुका है और जब वो बताते हैं दिल से यू नो इट रियली टचेज से हार्ट बोलते हैं कि मेरे मैं जो भी पैसा बना रहा हूँ लेकिन मेरे जनरेशन में किसी ने वी ऑलवेज बीन टू फार्मिंग लेकिन उन्होंने एक नया अपने पूरे यू नो फ्यूचर जनरेशन के लिए पूरा एक नया पाथ क्रिएट कर लिया है बाई गोइंग इन टू दिस तो इससे मिला काफ़ी स्टोरीज है ऊबर ड्राइवर्स है जोमैटो डिलीवरी बॉयज़ है एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर्सनल है बहुत सारे जन ऐसे लाइक यू नो इट्स लाइक उनको एक नया रास्ता मिल गया अपने गोल्स और ड्रीम्स अचीव करने का कर करने और ये काफी लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने खाली यूट्यूब वीडियोस क्योंकि हम हमारे यूट्यूब पे पूरा ओपन कर देते हैं स्ट्रेटेजी भी सब स्टार कहाँ कौन सा स्टॉक है कहाँ एंट्री एग्जिट है सब मैं अपना ट्रेड भी बता देता हूँ तो काफ़ी लोग तो जो मैं जैसे ने उन्हें बताया एयरपोर्ट सिक्योरिटी या कोई मिलता है सब स्माइल करते हैं मैंने आपके वीडियो देखता हूँ पैसा बन रहा है तो अच्छा <laughs> कोई कोर्स नहीं किया है ना ए किया है ना हमारा वन ईयर कोर्स किया है बट फिर भी वो फ्री वीडियो से भी सीख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है जैसे कोच हमको यही चाहिए कि आपके आपके वजह से हमारी लाइफ बदली उससे बेटर रिवॉर्ड कुछ नहीं हो सकता है राइट तो ये बहुत सारे किस्से ऐसे स्टूडेंट्स के हैं होम मेकर्स के हैं जो पहले जो अगर होम मेकर है और ज़्यादातर उनका टाइम स्कूल बच्चे स्कूल में गए आ, स्पाउस ऑफिस में गए और बाद में कुछ ज़्यादा टाइम व्हाट्सऐप और टी देखने के जगह पर आज काफ़ी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और वो बस दोपहर का एक दो घंटा भी ट्रेड करते हैं और उनको स्ट्रैटी समझ में आ गया तो वो एक घर खर्च के लिए पैसा भी निकाल सकते हैं बट मेन इंपॉर्टेंट क्या है पैसा शायद नहीं भी इम्पॉर्टेंट है बनाने का बट उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कुछ कर सकती हूँ और वो बहुत पावरफुल है और आज के इंडिया में अगर आप देखोगे तो वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एजुकेशन इज़ सो इम्पोर्टेंट तो और ये एक चीज़ है जो सब लोग कर सकते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ टाइम तो सबके पास है तो वो बट सीख के करना चाहिए वो ये बात अच्छी कही आपने लर्निंग इज़ इम्पोर्टेंट सो माइंड पे जैसे हम बात कर रहे थे तो वॉट इज़ द राइट माइंड सेट टू बिकम इन टू ट्रेडिंग कि इंसान को क्या क्या अपने बिलीफ रखने चाहिए जो आपने आइडेंटिफाई किए इफ़ दे हैव टू कम इन टू दिस फील्ड तो सबसे पहला माइंड शिफ्ट जिसपे हम काम करते हैं वो है अबैंड का माइंड शिफ्ट मतलब वैन यू बिलीव कि मनी इज़ डिफ़िकल्ट टू अर्न मनी इज़ स्कॉर्स और इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी आई एम टू यंग टू अर्न मनी आई एम टू ओल्ड टू मन अर्न मनी आई एम टू वीक टू अर्न मनी मुझे नहीं नॉलेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी लिमिटिंग बिलीव है ना वो सब स्कॉर्स में आपको ग्राउंडेड रखती है बट वैन यू मूव इन टू अबैंड माइंड सेट विच मीन्स दैट आई कैन मटीरियलाइज थिंग्स एट माई विल मैं जो चाहता हूँ वो मटीरियल कर पाता हूँ नॉट रिलेटिंग जस्ट टू मनी बट टू एनीथिंग तो वो माइंडसेट शिफ्ट जब आ जाती है आई थिंक दैट्स द नंबर वन शिफ्ट विच चेंजेस एवरीथिंग और उसके बाद हम की हाई परफॉर्मेंस कॉन्सेप्ट बाद में सिखाते हैं कि क्या आपको क्लैरिटी है बिकॉज कई सारे जन आ जाते हैं पैसा कमाने बिकॉज स्टॉक मार्केट का वो है पता है कि यू नो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है पैसा बनाने की बट दे डोट रियली नो कि उन्हें चाहिए क्या इट्स लाइक अ ब्लाइंड रेस के बस इज जस्ट आफ्टर मनी बट देन वेन वी वर्क ऑन क्लियरिटी विद्या चलता है कि मुझे ये क्रिएट करना है यू नो फैमिली के लिए लाइफ स्टाइल बनानी है मुझे मेरा ऑन्टरप्रनरशिप वेंचर शुरू करना है मैं काफी समय से जॉब में फंसा हुआ मुझे ऑन्टरप्रिनर बनना है उसके लिए मुझे पैसा चाहिए ताकि उनका जो पर्पज है वाई है उन्होंने जो सेट किया है उनको कैसे अचीव करें सो अ लॉर्ड ऑफ वर्क गोज़ इन टू कि भैया आपने ये वाई बना दिया आपने विजन आपके लिए सेट कर दी अब कैसे उसके पीछे जाए हाउ डूट प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क सो वी बिलीव अ लॉर्ड इन फ्रेमवर्क जनरल टॉक ऑफकोर्स बहुत सारी हमें मिलती है यूट्यूब पर दैट इज नॉट वर्थ समर एक फ्रेमवर्क होती है जो आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक पहुँचाती है तो हम जो कुछ भी सिखाते वी ट्राई टू बिकॉज दैट हाउ वी हैव लर्न फ्रॉम आर कोचेस हमने सब फ्रेमवर्क से सीखा है तो क्लैरिटी की ये फ्रेमवर्क हो गई प्रोडक्टिविटी की ये फ्रेमवर्क हो गई आपको आगे जाना है तो ना एवरी थिंग इज अ फ्रेमवर्क वाई नहीं मिल रहा है तो वाई बनाने की एक फ्रेमवर्क है तो वो ईजी और किसी को भी लगता लग, लगता है कि मैं कर सकता हूँ you know, और नो करके दिखाते दैट्स लवली सो आप भी वर्किंग है आप भी वर्क करते हैं सो so, जो वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करना होता है वो किस तरीके से मैनेज करते हैं आप लोग सो तो? so, एक होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस जो बात करते हैं ना वो बैलेंस कभी नहीं होता है बैलेंस नहीं सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं बैलेंस करूँ हम लोग थोड़ा सा बोलते हैं कि थोड़ा टिल्ट होता है अब समझो कि हमारे अभी प्रोजेक्ट है ये टेन वेल्थ प्रोजेक्ट आने वाला है लॉन्च हो रहा है तो बैक टू बैक इवेंट्स होंगे हम स्टूडेंट्स और बहुत सारे इवेंट्स करेंगे बहुत सारे की नोट स्पीकरस आएंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे तो थोड़ा सा टिल्ट हमारा काम की ओर है फिर ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा फिर हम थोड़े से फ्री हो जाएंगे तो थोड़ा सा टिल्ट हम फैमिली की ओर कर देंगे अब बच्चों के साथ बाहर बाहरगांव जाके आए दिवाली वेकेशन है उनकी पढ़ाई तो वो कभी कभी बैलेंस करने जाते ना तो बहुत गिल्ड फैक्टर आता है कि आज मैं छः बजे तक ऑफिस में बैठा हो क्यों नहीं गया ऑफिस क्यों नहीं गया घर पर बट उनको भी पता है कि मम्मी डैडी का प्रोजेक्ट चल रहा है उनका कैंपेन चल रहा है उनका प्रोडक्ट चल रहा है तो वो थोड़ा सा लेट आएंगे बाद में उनको भी पता है कि अभी नहीं है तो आज जल्दी आ जाएंगे तो वो उनको भी समझ में आ रहा है और वो काफ़ी हद तक मेरा बेटा चौदह साल का है तो वो तो ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है तो उसको पता है कि हम क्या काम कर रहे हैं और कैसे चलता है तो वो बहुत uh, वो टिल्ट करना बहुत जरूरी है सो ट्रू आई थिंक लोग बैलेंसिंग को मतलब गलत समझते हैं because उन्हें लगता है कि इक्वल एनर्जी एंड इक्वल टाइम have एनर्जी इट इज नॉट पॉसिबल टू इक्वली डिवाइड योर टाइम एंड एनर्जी टू ऑल here. है उनसे पूछा कि आप इतना है बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं तो कहते हैं कि ये बैलेंस क्रिएट किया तो बैंक बैलेंस कब हो जाए गुड वॉट इज द रोल ऑफ स्परिचुअलिटी आप दोनों ही मुझे एक अध्यात्म की तरफ ग्राउंडेड लग रहे हैं आप लोगों का इंटरेस्ट लग रहा है तो वॉट डू यू थिंक की आध्यात्मिक होने का कितना रोल रह रहा आपकी है आपकी सफलता के अंदर ये पूरा जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बिजनेस या प्रोफेशन हम बिजनेस प्रोफेशन दोनों बताते हैं इसको इसकी सक्सेस जो होती है ना वॉट वी हैव डिस्काउंट फॉर आर सेल्स एंड वी आर टीचिंग कि इसकी पूरी ग्राउंडिंग स्पिरिचुअलिटी में है आई टेल यू डिलई बिकॉज नंबर वन थिंग दैट वी रियली अटेन आफ्टर टिल्सरिचुअलिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ सरेंडर कि हमें सरेंडर करना है राइट दैट्स वॉट वी डू के वी जस्ट सरेंडर आवर एफर्ट्स और फिर देन यू सी के यू नो यू डोंट वो हैंकरिंग नहीं होती एग्जाइटी नहीं होती आप ज़्यादा स्टिलनेस पे चले जाते हो दैट्स द सेम थिंग विथ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग कि आप अपना बेस्ट एफर्ट डालें लर्निंग में बेस्ट एफर्ट डालें प्रैक्टिस में बैक टेस्टिंग में बेस्ट एफर्ट डालें प्रोसेस में एग्जीक्यूशन में दैट्स वे द एग्जिम कम्स फ्रॉम कि फॉलो द प्रोसेस नॉट द प्रॉफिट कि एक बार आपने तीनों चीज़ कर ली लर्न अच्छे से किया प्रैक्टिस अच्छे से की एग्जीक्यूट अच्छे से किया ऑन द फिननेस लेवल फिर रिजल्ट तो आने ही है दैट्स अ बाय प्रोडक्ट

स्पेंडिंग सम टाइम इन स्टिलनेस बाई योर सेल्फ और जर्नलिंग बहुत बड़ी प्रैक्टिस है जो काफ़ी साल से करते हैं और स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करते हैं दैट यू शुड डू जर्नलिंग दैट्स हाउ यू कीप कनेक्टिंग टू योर सेल्फ टेकिंग फ्रीकुन ब्रेक्स साइलेंस टाइम ये सब जो मतलब इट्स अ नॉन नेगोशियेबल थिंग ये सब करना ही है इ रिस्पेक्टिव ऑफ एंड आई नो जैसे कि आपने बताया वी आर टू बिजी बींग बिजी लेकिन आई थिंक हम सब इनके लिए तो इन एट इज इन, 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 इन बेसिक चीज़ों के लिए तो टाइम निकाल ही सकते हैं एंड आई थिंक इवन इफ यू रिवो थर्टी मिनट्स अ डे इट मेक्स अज डिफरेंस इन योर आउटपुट और दूसरा है कि डेली अफर्मेशन और विजन स्टेटमेंट्स और विजन विजुलाइजेशन वो भी बहुत पावरफुल है क्योंकि जब तक आप सबकॉन्शियस माइंड तक अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स को नहीं डालोगे जो अफर्मेशन और विजन विज़न बोर्ड से होता है तो आप आगे नहीं बढ़ोगे तो वो भी हम सिखाते भी हैं और हम ख़ुद भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो जैसे हमने सोचा था कि कोविड के बाद हमारे सारे प्रोग्राम्स बंद हो गए फिज़िकल और फिर सबके सबके फिज़िकल प्रोग्राम बंद हो गए तो हम सोचे थे अभी क्या करें अभी क्या करें कुछ तो रास्ता निकलेगा फिर हमने टोनी रॉबिस जी का यू पी डब्ल्यू था जो वो भी फिज़िकल इवेंट्स करते थे पंद्रह पंद्रह हज़ार लोगों के साथ तो वो भी बंद हो गया तो अभी उन्होंने उन्होंने रास्ता निकाला कि ऐसा एक स्टूडियो खड़ा किया जहाँ पे एक साथ पंद्रह हज़ार जूम पे दिखे बाद में हमको लगा कि अगर ये कर सकते तो हम भी कर सकते तो फिर हमने विजुलाइजेशन चालू कर दिया कि हमारा भी ऐसा स्टूडियो होगा कि हम भी ऐसा काम करेंगे हमारे साथ भी हज़ारों लोग जुड़ेंगे और विजुलाइज़ करते 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 आज हमने वैसा ही ऑलमोस्ट मिनी स्टूडियो खड़ा कर दिया है जहाँ पे हम हज़ारों लोग तक पहुँचते हैं तो ये ये एक एग्ज़ाम्पल है बट ये बहुत सारी जगह पे हमने छोटे से छोटी बात में बड़े से बड़े काम में अप्लाई करते हैं विजुलाइजेशन अफर्मेशन और वो हम बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि वो अभी से वो बेसिक प्रिंसिपल है बोलता है ना यू कैन मैनिफेस्ट एनी थिंग एट विल आपको जो चाहिए आप पा सकते हो अगर आप उसको सही दिशा में और सही तरह से काम करो सो ट्रू आई थिंक अगर आपने वो साइको साइबरनेटिक्स करके एक बुक है मैक्सवेल मोड्स की उसमें वो एक बहुत अच्छा तरीके से बताते हैं कि अगर सबकॉन्शियस एक्चुअली वर्क्स लाइक ए टर्पेडो मिसाइल्स तो टर्पेडो मिसाइल्स में हम क्या करते हैं कि एक बार टारगेट लॉक कर दिया तो उस मिसाइल में मेकेनिज़्म है कि वो उस टारगेट की तरफ जाती है तो अगर टारगेट मूव हो गया तो उसमें एरर डिटेक्ट करता है वो मिसाइल एरर डिटेक्ट करके आपकी डायरेक्शन को फिर चेंज कर देता है और वापस आपको ट्रैक पर ले आता है तो एक्जैक्टली लाइक दैट सर्वो मैकेनिज्म और सबकॉन्शियस एल्वोरिज्मी इम्प्लांटेड इ गोल सो देन इट विल कीप ट्रैक ऑफ द गोल इवन इफ यू फॉगेट द गोल इट विल स्टिल कीप ट्रैकिंग इट एंड इफ यू आर डिविएटिंग फ्रॉम इट अगर हम डिविएट हो रहे हैं तो उसका एरर करेक्शन मैकेनिज्म है जिससे वो आपको वापस पाथ पर ले आएगा तो कई बार हम ऐसा होता है कई बार अगर लाइफ में डिस्ट्रेक्ट हुए भी किसी और रास्ते पर जाने भी लगे तो समहाव कुछ ऐसा इवेंट होता है या फिर कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आता है जो फिर से आपको ट्रैक आप cool. yes. ला करके और उस रास्ते uh, पे yes. डाल देता है परफेक्ट सो सो ब्यूटीफुल एंड आई एम हैप्पी दैट यू एबीसीडी प्रोग्राम में और काफी सारे हम लोग बोलते हैं कि रिच वर्सेस पुअर हैबिट्स वर है। तो उसमें पहला जो हैबिट है जो हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि पुअर पीपल स्पेंड टाइम एनर्जी एंड मनी ऑन एंटरटेनमेंट एंड रिच पीपल स्पेंड टाइम मनी एंड एनर्जी ऑन एजुकेशन तो वो आपने देखा होगा एक स्टैटिस्टिक बताता है कि कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन चल रहा था तब एक आम आदमी ने 300 से 400 घंटे नेटफ्लिक्स और ओ टी टी पे बिताए अब तीन से चार घंटे में दो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो सकती है <laughs> तो ये है कि जब आपको टाइम मिलता है अब मैं बहुत बार देखता हूँ कि मैं फ्लाइट फ़्लाइट में रहता हूँ या कहीं भी ट्रैवल करता हूँ लोग मोबाइल लेते हैं एयरपोर्ट लगाते हैं और नेटफ्लिक्स सीरीज़ चालू है एक के बाद एक एपिसोड उतने टाइम में ये किताब आप वीडियो बुक ऑडियो बुक खत्म कर सकते हो आप कितने सारे वीडियोस ख़त्म करें मेरी चार स्ट्रैटेजी देख लोगे आपका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हो जाएगा मेंटल अपग्रेडेशन हो जाएगा स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन हो सकता है बट मोस्ट पीपल लुक फॉर दैट एंटरटेनमेंट पार्ट व्हिच इज़ वेरी लूक्रेटिव चीप लगता है बहुत वो करता है वो बट कोई है हाँ, है और ये काम कब करना चाहिए मतलब जब अगर आप एक बार फाइनेंशियली फ्री हो जाओ आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो गई पैसिव इनकम शुरू हो गया उसके बाद आपके पास फ्री टाइम है तो आप नेटफ्लिक्स देखो टीवी देखो ऐसा नहीं कि नहीं देखना हम भी देखते हैं बट पहले अपने आप को अपग्रेड करो अपने गोल्स को अचीव करो उसके बाद ये ग्रेटिफिकेशन in का लोगों का माइंडसेट yes. है that, uh, so, well? आपके इस ट्रेडिंग में तो ग्रेटिफिकेशन की हैबिट तो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है यस yeah. yes, तो हमारा जो स्ट्रेटेजीज uh, है जैसे हमने बताया कि हम कोई इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाला कुछ एनकरेज नहीं करते हमको चाहिए कि आप पोजिशन ट्रेड लो और आराम से खड़े रहो वेट करो लंबे ट्रेड करो लेस इज़ मोर एक आप दस ट्रेड में एक लाख रुपया बनाओ या एक ट्रेड में एक लाख बनाओ दैट इज़ मोर बेटर दैट इज़ बेटर दैन द टेन ट्रेड्स राइट सो अगर मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन दूँ कि जैसे लास्ट ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में यू एस में एक इन्वेस्टिंग चैम्पियनशिप होता है हर साल इतने सालों से उसमें मैंने हिस्सा लिया था और वहाँ पे मैंने ट्रेड किया अपने अकाउंट्स में और उनको सबमिट किया और वहाँ पे मैं फोर्थ रैंक पे आया 81 वन परसेंट रिटर्न जनरेट करके अब ये 81 वन परसेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है बहुत लोगों ने कमाया होगा और दूसरा है कि मैंने वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन डिवीजन में किया वो भी बहुत एक बहुत कम लोग पैसा बनाते हैं बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये काम दो में जब मैं बहुत सारी मेरी इंटरनेशनल ट्रिप्स हुई थी उस साल में मेरे फादर एक्सपायर हुए तो मैं दो, दो महीने तक ट्रेड भी नहीं कर रहा था और मैंने बहुत सारे इवेंट्स भी किए तो मैं पूरा बिजी था बट मेरी सिस्टम जो मेरा प्रोसेस है वो पैसा बना रही थी तो मैंने फ्रीडम के साथ 81 परसेंट बनाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठ के भी ट्रेड कर सकता था तो शायद एटी के जगह पे वन वन भी बना सकता था बट फिर मैं ये सारे काम नहीं कर सकता था जो मैंने किए तो वो मेरे को मैसेज देना है कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत सारे आजकल यूट्यूब वीडियोज़ और बहुत सारे ऐसे हैं जो ये एनटाइज करते कि आज मैंने लाख रुपया कमा लिया एक दिन में आप लाख रुपया कमा सकते हो ये मैं बताता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ लाइक ट्वेंटी ट्वेंटी और हम जो कर रहे हो लॉन्ग टर्म टाइप करते हैं तो आप उसमें टाइम होता है आपको रन बनाने के लिए यहाँ पे आप तो रन बनाओगे या तो आउट हो जाओगे और वो आउट ज़्यादा लोग होते हैं क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन के बिना कर रहे हैं

<laughs> rate, कि आप बैटल में चले गए लेकिन कोई तलवारबाजी नहीं सीखी कुछ नहीं, no के नहीं। अंदर चले तो गर्दन के आएंगे yes. so right uh, uh, कि लगे, लगे, ये कर लें सो so, कैसे आइडेंटिफाई करें बहुत ये के? बहुत बढ़ गया है लास्ट दो तीन साल कोविड के बाद क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में आए हैं और स्टॉक मार्केट एक आसान तरीका दिख रहा था और कोविड लॉकडाउन में लोग ट्रेड कर रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं और मैं ऐसा किसी को ऐसा कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ लेकिन मेरा एक ही है कि आप एक तो आप मेंटर या कोच हम हमारे ऊपर भी बहुत सारे कोचेस और मेंटर्स हैं तो हमको किसी को सिलेक्ट करना है तो पहले तो वो आदमी की इंसान की वैल्यूज़ मैच हो रही है कि नहीं जब आप दो तीन वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई सही बोल रहा है गलत बोल रहा है या फेक बोल रहा है और दूसरा है कि उसका खुद का एक्सपीरियंस एक होता है एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज एंड रिजल्ट एक्सपीरियंस कितने साल का है एक्सपर्टीज कौन से टूल में है बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा है कि एक ही चीज़ सिखा रहा है जैसे बना गो डीप नॉट ब्रॉड और रिज़ल्ट उसके खुद के रिजल्ट तो ठीक है अब खुद के रिज़ल्ट कभी कभी लगता है कि जो आदमी सिखाता है उसका खुद का प्रॉफिट होना चाहिए और खुद अच्छा ट्रेड करना चलो वो तो चलो होता है बट उससे ज़्यादा है कि वो आदमी के जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसा बना रहे क्योंकि एक एवो, अच्छा ट्रेनर होना और एक अच्छा ट्रेनर होना दोनों में बहुत फ़र्क है हाँ, बहुत फर्क अच्छा है बहुत लोग अच्छा ट्रेनिंग मैं जानता हूँ जिनसे मैंने सीखा है लेकिन वो ट्रेनर नहीं है उनको बताओ ना कि सिखाओ मेरे को तो वो सिखा नहीं सकते क्योंकि वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं है उनके yes, वो आर्टिकुलेशन नहीं है और सिखाने क्योंकि आप आपने आप मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है इतने साल से सिखा रहे तो अगर समझो मैं थोड़े लेवल ऊपर तक जाता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे है अगर मैं यहाँ से सिखाना शुरू करूंगा और ऊपर जाऊंगा तो ये यहीं पे रहेगा ट्रेनिंग कब होती है सही जगह से कम्युनिकेशन कब होता है जब आदमी खुद को मैं नीचे लेके आओ स्टूडेंट के लेवल पे yes. और फिर दोनों को ऊपर लेके जाओ उस तरह की ट्रेनिंग होती है जो आदमी ने कम्युनिकेशन स्किल्स पे और सिखाने पे अपने आप पे काम किया है सो इन द लास्ट फाइव सेवन ईयर्स और मोर देन दैट एक्चुअली आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एनर्जी इन बिकमिंग अ गुड कोच बिकमिंग अ गुड ट्रेनर गुड स्पीकर बिकॉज अगर मुझे मेरा मैसेज किसी को सिखाना है तो वो जब तक मैं सही तरह से नहीं सिखाऊंगा तो नहीं पहुंचेगा कोचिंग तो कोचिंग एक अलग स्किल है हां ट्रेडिंग एक डिफरेंट स्किल है लवली सो बिफोर मूविंग टू द रैपिड फायर एनी अपनी इस पूरी जर्नी से तीन सबसे बड़ी गलतियां जो आपने की और तीन सबसे बड़े लेसन जो आप लोगों को देना चाहेंगे अह यू स्टार्ट विद थ्री मिस्टेक्स थ्री मिस्टेक्स मेरी गलतियां बहुत सारी गलतियां तो इतने सालों में की है सबसे पहली गलती है कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना ओके मैं एक टाइम पे किसी पे डिपेंड था कि वो न्यूज़ देगा वो खबर देगा या वो बोलेगा तो करूँगा उसका अप्रूवल चाहिए या वो किसी पे डिपेंड नहीं रहना है आप अपने स्किल को इतना फास्टर कर लो कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ मेरे को पैसा कमाने के लिए मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ स्पेशली मार्केट में राइट तो वो पहली गलती दूसरी है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है मैंने वो टाइम बहुत सारा वेस्ट कर दिया बहुत सारी चीज़ों सीखने में मैस्टर करने में एक चीज़ को पकड़ो और उसके पीछे लग जाओ गुड राइट और तीसरी है कि हायर द कोच वो शॉर्टकट है मेरे टाइम में जब मैंने 12 साल स्ट्रगल किया स्टॉक मार्केट सीखने में कोई कोच नहीं था बहुत सारे ट्रेनर्स थे बुक्स पढ़ी दो दो दिन के सेमिनार किए लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो एक साल तक छः महीने तक मेरा हाथ पकड़ के बोले कि यही कर रहा है तो हम इधर उधर उधर घूमते रहते तो वो चक्कर में आज मेरे पास मैं जब ये बिज़नेस को खड़ा कर रहा हूँ ये कंपनी को बड़ा कर रहा हूँ तो मेरे पास सारे तरह के कोचेज़ हैं एक बिजनेस कोच है मार्केटिंग कोच 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 है, 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 सेल्स स्पिरिचुअल जो तो, so, ग्राउंडेड वो कहते भी नहीं कि आप अगर खुद के अनुभवों से सीखने जाएंगे तो जिंदगी तो बहुत छोटी है yes. कितना सीख पाएंगे तो क्यों ना किसी और के अनुभव से जैसे आपने ये हैश टेग किताब लिखी तो ये किताब मेरे जाने आपके कितने सालों का अनुभव होगा एब्सोल्युटली मैं इसको दो घंटे में पढ़ लूंगा तो यानी कि मैंने अपना समय बचा लिया ना हम लोग भी वही बताते हैं कि काफी लोग कभी किताब समझो ये पाँच सौ रुपए की किताब है हज़ार रुपये की किताब है कभी कभी लोग हजार रुपये की किताब अब पाँच सौ रुपये की स्टार बक्स में कॉफ़ी पी लेते हो राइट हजार रुपये तो आजकल मूवी की टिकट हो गई है आप यहाँ पे कोई आदमी किताब लिखता है जब हम हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारी किताबें रेकमेंड करते हैं कि ये पढ़ो ये पढ़ो तो वो क्यों है कि कोई आदमी किताब कब लिखता है जब उसके पास कम से कम दस साल का एक्सपीरियंस है वो सारा आपको एक किताब में मिल रहा है जो दो घंटे में आप पढ़ सकते हो आजकल तो सुन भी सकते हो और आपको पाँच सौ हजार या पाँच हजार में भी मिले तो भी वो डील है सो आई दैट्स वाई आई सेड इन्वेस्ट इन एजुकेशन सो ट्रू रिच पीपल ऑलवेज इन्वेस्ट एक अच्छा ट्रेडर और एक अच्छा फकेटबाउ ट्रेडर यू आस्क एनी सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड ही इज़ अ रीडर ट्रू राइट अगर वॉर बर्फे को भी कोच की जरूरत पड़ सकती है तो हमको तो चाहिए आई थिंक कोच की जरूरत तो भगवान को भी रही है <laughs> हनुमान जी भी एक टाइम पे जब समुद्र नहीं कूद पा रहे थे तो जामवंत ने आके मोटिवेट किया जब कृष्ण युद्ध के बीच में जब अर्जुन डाउट में चला गया तो आई थिंक सबसे पहला मेंटर तो कृष्ण ही है एक तरीके से जिन्होंने उसे कोच किया वो जो अंदर का डाउट आया था उस डाउट को क्लियर किया अठारह अध्यायों में और डाउट क्लियर करके अगेन उसको काम पे लगाया आपकी तरफ से तीन लेसन तो so, सबसे पहला लेसन और स्पेशली रेलिवेंट है इसमें कि फेल तो होना ही है लेकिन फेलियर की हम परिभाषा चेंज कर देते हैं हम बताते हैं कि फेलियर इज़ वाव हम हमेशा ऐसे ही यूज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स के सामने कि फेलियर फेल हो गए ना तो ऐसे बताया हो कि वाव क्योंकि दोनों में से एक चीज़ होती है जीवन में या तो आप सक्सेस हासिल करते हो या तो आप लेसन सीखते हो तो नो फेलियर इज़ अ सेटबैक इफ यू लर्न द लेसन और सेकेंड ये लेसन सीखा हमने अब यही सिखाता है कि कंसिस्टेंसी uh, बहुत ही ज़रूरी है सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग एनीथिंग ग्रैंड और बड़ी चीज़ यू you नो know, कोई शूरवीरता वो उसकी बात नहीं है सक्सेस इज़ एक छोटी चीज़ लेकिन अब रोज़ करो एवरी सिंगल डे अगर रीड करो 30 रीड you know. हाँ तो थर्टी पेजेस रीड फॉर ऑल थ्री सिक्सटी फाइव डेज यू नो एक नई हैबिट इंकलकेट करनी है तो सिक्सटी सिक्स डेज तक रोज उसको करो दैट्स वर्ट यू नो डूइंग कंसिस्टेंसी मैटर्स वे अबाउ एवरीथिंग एल्स एंड थर्ड जो यू नो विच इज़ द मेजर थिंग दैट गाइड्स एवरी थिंग इज कोई भी फील्ड में सक्सेस हासिल करनी हो तो पहले माइंडसेट के ऊपर जाओ हाउ डू सक्सेसफुल पीपल थिंक नॉट डू व्हाट इज द एटीट्यूड इज दे फॉलो एक बार एटीट्यूड कर दिया फिर स्ट्रैटेजी आसानी से समझ में आ so बढ़िया आपने कहा कि कई बार आप देखते हैं स्टार्स के डुप्लीकेट होते हैं वो एज इट इज आवाज निकाल लेते हैं

और इंडिया में वो आज पाँच से सात परसेंट के बीच में ही है इतना बड़ा डिफरेंस बहुत डिफरेंस है हमारा पॉपुलेशन भी काफ़ी बड़ा है तो बट मैं समझता हूँ कि ये पाँच से दस पाँच से दस भी हो जाए या पंद्रह भी हो जाए तो भी बहुत बड़ा एक बदलाव आ सकता है क्योंकि जो हमारी जो जो कंडीशनिंग है वो है सेविंग्स की इंडिया में आप देखोगे ज़्यादातर लोग सेविंग्स में पैसा डालते हैं क्योंकि पहले से वो सेविंग का मैंटालिटी और पहले के टाइम में पंद्रह बीस साल पहले आपको पंद्रह अठारह परसेंट रिटर्न मिलता था बैंक्स में इंटरेस्ट रेट आज सात टका है पाँच टका है तो और वो इन्फ्लेशन रेट सात टका तो आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा है इनफैक्ट कम हो रहा है तो और सेविंग्स में पैसा डालते हो ये बहुत एक अच्छा एक स्टोरी मैं बताता हूँ उन सब लोगों को आहा होता है कि आप पैसा बैंक में डालते हो बैंक वाला बैंक में तो रखता नहीं है वो किसको लोन देगा ऑन्टरप्रेनर्स को देगा कंपनी को देगा कंपनी पैसा उठाएगा पाँच परसेंट पे दस परसेंट अपने अपने को जितना दे रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा पे उठाएगा और वो प्रॉफिट कमाएगा कंपनी को ग्रो करेगा राइट right. तो उससे अच्छा है कि क्यों ना हम प्रॉफिट का हिस्सा बने डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट करें तो और उसके लिए ऑफ कोर्स ब्लाइंडली नहीं करना है सीख के करना है बट समझो कि आज मैं मेरा सेविंग्स का पैसा अगर कोई कंपनी ग्रो हो रही है जैसे रिलायंस है टाटा मोटर्स है टाटा बहुत सारी कंपनीज है और वैसे यूएस में भी बहुत आजकल तो आप यूएस में भी ट्रेड कर सकते हो अगर आपके पास बराबर से डॉक्यूमेंट्स है तो, तो बहुत सारी ऐसी कंपनी जो आपको दिख रहा है कि ग्रो होने वाली है जैसे अभी सिंपल एग्जाम्पल है कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया में सबसे बड़ा बदलाव क्या है एक, एक जो है वो है इलेक्ट्रिक कार्स ये सबको पता है आप खुद भी खरीदोगे इलेक्ट्रिक कार लेकिन आप ये नहीं सोचोगे कि मैं इलेक्ट्रिक कार इतनी बढ़ रही है तो क्यों ना मैं ऑटो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं जितने घंटे आपने नेटफ्लिक्स पे बिता है उससे अच्छा अगर नेटफ्लिक्स का स्टॉक खरीदा होता तो आपके पांच गुना पैसे हो जाते <laughs> ये माइंड बदलना बहुत जरूरी है तो आपको सेविंग से निकाल के इन्वेस्टमेंट पे आना है तब जाके फाइनेंशियल फ्रीडम होगा तो ये हमारा विजन है कि जैसे बोलते हैं ना हर घर एक इन्वेस्टर होना चाहिए हर घर एक इन्वेस्टर क्या <laughs> और जन को अब स्टॉक मार्केट सीखना चाहिए जो मुझे लगता है एक नीड है और जैसे आजकल पहले के टाइम में ऐसे बोलते थे कि डिग्रीज होनी चाहिए आपके पास एम बी ए फाइनेंस ये डॉक्टर इंजीनियर डिग्रीज अभी भी है बट आज के टाइम में दूसरी एक जो चीज़ बहुत बड़ी हो रही है वो है हाई इनकम स्किल्स और उसके लिए कोई कॉलेज या डिग्री या यूनिवर्सिटी नहीं जाना है ये आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो आप कोर्सेज करके भी सीख सकते हो जैसे एक पॉडकास्टिंग एक हाई इनकम स्किल है स्पीकिंग एक हाई इनकम स्किल है वैसे सेल्स एक हाई इनकम स्किल है वैसे ट्रेडिंग एक हाई इनकम स्किल है एक बार काबिलियत को हासिल कर लो फिर लाइफ टाइम आप उसको मॉनिटाइज कर सकते हो सो so ब्यूटिफुल मलकान जी बहुत ही कन्वर्सेशन रहा डीप इन आई रियली इट आई थिंक स इज गोइंग टू लव दिसन सो नापिड फायर इट सो नापिड फायर यू बेटर आपकी लाइफ में क्या ज्यादा इंटेंशन इज इम्पोर्टेंट हाई परफॉर्मेंस ट्रेडिंग या हाई परफॉर्मेंस लिविंग क्या ज्यादा प्रिफर करती है या बैलेंस बना के चलती है

गुड आई थिंक पॉलिटिशियंस भी यही करते सो इन्वेस्टमेंट गुरु कौन है बफे या राकेश झुंझुनवाला दोनों दोनों आपको इंस्पायर करते हैं मेडिटेशन या कैलकुलेशन मॉर्निंग रूटीन क्या है दोनों में से। सुबह तो मेडिटेशन ही करना पड़ेगा बाकी <laughs> पूरा दिन बाकी दिन पूरा दिन, दिन कैलकुलेशन चलते रहते हैं मार्केट क्रैश में आप पहले क्या करते हैं पैनिक या दलाल स्ट्रीट या स्पिरिचुअल रिट्रीट दलाल स्ट्रीट रीडिंग बुक्स या फिर फाइनेंशियल टेक्स्ट? रीडिंग बुक्स और आजकल ऑडियो बुक्स ऑडियो बुक्स माइंडफुलनेस या माइंडफुल ऑफ स्टॉक्स कैसे बैलेंस करते हैं माइंडफुल ऑफ स्टॉक्स होता है आजकल ज्यादा ही द्वेश्चन ना द question. टू बोथ ऑफ यू हा फेवरेट डेट नाइट मार्केट एनालिसिस करते हैं या माइंडसेट के बारे में बात करते हैं या कंप्लीटली इन दोनों को बीच में मिलाते दोनों को बीच में नहीं मिलाते क्योंकि पूरा दिन यही चलता है ऑफिस में दोनों <laughs> चीजें माइंडसेट और ट्रेडिंग चलते रहता है सो डेट नाइट इज कंप्लीटली ऑफ वी गो फॉर अ डिनर और समटाइम्स फॉर अ मूवी और तो वहां बातें तो नहीं निकल जाती यही कुछ निकलती है लेकिन बार-बार एक दूसरे को याद कराते रहते वी तो <laughs> <don't have to. laughs> लक्ष्मी या सरस्वती, वेल्थ या सरस्वती, सरस्वती। में में क्या common goal set करते हैं कि 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 दोनों दोनों का का हो, सब साथ चले, एक है, भले माध्यम spirituality और मेरा मटेरियल वेल्थ पे है बट गोल यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट करना है इन्फ्लुएंस करना है

ऐसा कुछ आ, अभी वो स्टेज चला गया आ, ऐसा कुछ नहीं <laughs> वो मतलब <बना laughs> बातों से और <laughs> <laughs> आज के दिन में व्हाट इज पूरा एक फाउंडेशन ले कर देता है पूरे दिन का और एक होता है ग्रैटिट्यूड जो सुबह सुबह होता है रात को भी होता है सुबह सुबह के व्हाट आर यू ग्रेटफुल थिंग यू अप

sarah, all four quadrants you should focus on, your mind, body, heart and soul. that's the way to achieve success, holistic success, he real success. beautiful. so thank you so much, vishal ji, for appearing on our show. both beautiful insights of thank you so much. thank you. thank you so much. <laughs>